हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ सेकंड ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक। इसमें हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है कम्प्लीट हो चुका है। उसमें हमने जो है एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कर दिए। तो आइए आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, और उसके बाद जनरल फीचर्स के पास जो है जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को समझते हैं कि हैं क्या ये एलिमेंट्स और ये कौन से एलिमेंट्स हैं पीरियडिक टेबल के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, हमें पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स को समझना होगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो हम दो कैटेगरीज पढ़ते हैं। जब भी पीरियडिक टेबल को हम देखते हैं तो हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं। एक हमारे पास हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और दूसरे हमारे पास हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ग्रुप जो हमारे पास ए वाले जो भी ग्रुप्स हैं, 1A ग्रुप, 2A ग्रुप, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A ग्रुप, ये जो ए वाले जो भी ग्रुप्स हैं, ये सारे ग्रुप्स जो है ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारे ग्रुप जो है ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। बाकी जो हमारे पास जो ग्रुप्स बचते हैं, जिसके अंदर हमारे पास बी वाले जो ग्रुप्स आते हैं, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B और 1 और 2B, ये सारे जो बी वाले ग्रुप्स हैं, इन्हें हम जो है वो सब ग्रुप्स कहते हैं। ये जो सारे सब ग्रुप्स आते हैं, ये सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ पर हमारे पास थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ पर हमारे पास थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये दोनों मिलकर जो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, जबकि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये लास्ट वाले जो एलिमेंट्स हैं, इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इन दोनों को जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक तरह के ट्रांजिशन एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास हैं डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बाकी यहाँ पर एफ ब्लॉक जो के जो एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हम एफ ब्लॉक को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर पढ़ेंगे आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जैसे जो कि है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, जिन्हें हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर दो तरह के जो है ब्लॉक्स आते हैं, एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। इन दोनों ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनके अंदर एक हमारे पास होते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दूसरे हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पर हमारे पास जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो हमारे पास है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, जो कि हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बेसिकली हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बेसिक डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम किसको कहते हैं, द एलिमेंट्स व्हिच पजेस पार्शियली ऑक्यूपाइड डी ऑर्बिटल इन एटॉमिक आर आयोनिक स्टेट आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो वो एलिमेंट्स जिनके अंदर जो पार्शियली या फिर टोटली जो है पार्शियली फिल्ड हो, पार्शियली ऑक्यूपाइड हो, कौन सा ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। तो ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर डी ऑर्बिटल मौजूद हो, और डी ऑर्बिटल क्या हो, पार्शियली फिल्ड हो, मतलब उसके अंदर जो है कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ना हो, जो है कंप्लीट कितने आते हैं, डी जो हमारे पास होता है डी ऑर्बिटल, उसके अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो 10 से कम इलेक्ट्रॉन्स जिस भी एलिमेंट में आते हैं डी ऑर्बिटल में, उसे हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। और ये डी ब्लॉक एलिमेंट, इन्हें ही हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो ट्रांजिशन जो है क्या है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। ट्रांजिशन हम किसे कहते हैं, ट्रांजिशन क्यों कहते हैं इन्हें, ट्रांजिशन मतलब है इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के बीच में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लाई करती हैं। यहाँ पर हमारे पास हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स और ये हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक्स के बीच में लाई करती हैं। मतलब इनकी आधी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एस ब्लॉक से मिलती हैं, आधी जो है वो पी ब्लॉक से मिलती हैं। तो इसीलिए इन्हें हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन का मतलब है जो है मिलती जुलती कैरेक्टरिस्टिक्स, इन दोनों के बीच में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ट्रांजिशन शो कर रही है। सिग्निफिकेंट इन मैनी केमिस्ट्री ब्रांचेज एंड इंडस्ट्रीज, इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ही ज़्यादा है, इन एलिमेंट्स की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है केमिस्ट्री के अंदर।
और क्योंकि इसके अंदर वर्सेटाइल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये शो करते हैं, इनकी कैटालिटिक एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा हैं, मतलब ये कैटलिस्ट के तौर पे बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, मतलब इनके बहुत ही ज़्यादा यूज़ हैं, इन इसकी वजह से इनकी बहुत ही बड़ी अहमियत है केमिस्ट्री के अंदर। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो भी वर्सेटाइल होती हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा होती हैं, वेरिएबल होती हैं, एक एलिमेंट डिफरेंट तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होता है। इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये अलॉय की फॉर्मेशन करते हैं। अलॉय क्या होता है? मिक्सचर होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है, उसे हम अलॉय कहते हैं। ये अलॉय की फॉर्मेशन करते हैं, ये कलर वाले कंपाउंड्स बनाते हैं, कलर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक बिहेवियर भी इनके होते हैं, मतलब ये जो है मैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करते हैं, जो है मैग्नेट के साथ जो है अट्रैक्ट होते हैं, और इलेक्ट्रिकल भी कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो इनकी मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से केमिस्ट्री की ब्रांच में इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और इंडस्ट्रीज़ में भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब इसके अंदर जो है हम इन सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, इनके जो जनरल फीचर्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और ये इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे डेवलप होती हैं। अब इन एलिमेंट्स पर थोड़ी सी नज़र डालें कि ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और इनको थोड़ा सा आप देख लें। तो सबसे पहले इसके अंदर ग्रुप्स कौन कौन से आ रहे हैं, ये ग्रुप जो आ रहे हैं इनके अंदर चार एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हर एक ग्रुप के अंदर चार चार एलिमेंट्स आ रहे हैं, और ये पीरियड जो नंबर है ये 4 है 5 है 6 और 7, चार पीरियड्स के अंदर ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, 4 5 6 7 पीरियड। और इसके अंदर अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप जो इसके स्टार्ट होते हैं वो 3 से होते हैं, 3B 4B 5B 6B 7B, और 8B जो है ये मेगा बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर 3 जो है और ग्रुप्स आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास है आयरन कोबाल्ट निकल, ये तीनों जो है एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं, जो है ग्रुप 8B। अब यहाँ से जो कॉपर के बाद हमारे पास ग्रुप स्टार्ट होता है वो 1B है, क्योंकि यहाँ से हमने 3B में स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर 1B और 2B। तो इस तरह से ये हमारे पास जो टोटल 10 ग्रुप्स हैं, टोटल रोज जो है हमारे पास 10 है, लेकिन इसमें 8 ग्रुप्स आते हैं, क्योंकि एक जो आठवां ग्रुप है इसके अंदर 3 जो है आ जाते हैं, 3 ग्रुप आ जाते हैं। अब इसके नाम जो है वो आप थोड़े से याद करने होंगे आपको, इसमें आप सिर्फ फर्स्ट जो सीरीज़ है, फर्स्ट लाइन है, आप इसको याद कर लें, बाकी जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ इसकी ही ज़्यादातर बात करेंगे, इसके ही कंपाउंड्स, इसके ही एलिमेंट्स की ज़्यादा बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर है 21, और वो है स्कैंडियम। उसके बाद है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो यहाँ से 21 से इसके एटॉमिक नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, और 30 तक जो है ये एटॉमिक नंबर एंड हो रहे हैं। अब क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उसके अंदर डी ऑर्बिटल लाजमी होगा, और डी ऑर्बिटल के अंदर उनके जो है कुछ आ रहे होंगे एलिमेंट्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, हर एलिमेंट के डी ब्लॉक के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे। तो यहाँ पर भी हम वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 1B से लेकर 8B के जो ग्रुप्स हैं ये हमारे पास सारे जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसके अंदर हम चार सीरीज़ बनाते हैं, चार सीरीज़ यहाँ पर हम जो है चार पीरियड्स के हिसाब से चार सीरीज़ बना रहे हैं। एक सीरीज़ को हम कहते हैं 3D सीरीज़, जो कि हमारे पास है 4th पीरियड, ये जो है पीरियडिक टेबल में ये 4th पीरियड है, लेकिन हम इसको कहते हैं 3D सीरीज़। और 5वां पीरियड जो है इसे हम कहते हैं 4D सीरीज़, और 5D सीरीज़ जो है ये हमारे पास है 6ठा पीरियड, और 7th जो पीरियड है, 7वां पीरियड है, उसे हम कहते हैं 6D सीरीज़। अब ये चार जो है सीरीज़ आ रही हैं, इसमें जो पहली सीरीज़ है उसके अंदर वही एलिमेंट हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये अपने फर्स्ट सीरीज़ जो है 3D सीरीज़, ये आपने याद कर लेनी। अब इन्हें 3D सीरीज़ क्यों कहते हैं? 3D सीरीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो फोर्थ हमारे पास पीरियड है इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो किस पे एंड होगी? वो 3D ऑर्बिटल पे एंड होगी। 3D ऑर्बिटल के अंदर कुछ ना कुछ इसके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जैसे कि स्कैंडियम के अंदर 3D के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, टाइटेनियम के अंदर 3D के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इस तरह से हमारे पास जिंक के अंदर 3D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इस तरह से यहाँ से हम काउंट करते जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और डी ऑर्बिटल यहाँ तक जाके फुल हो जाएगा। अब 4D के अंदर क्या आएगा? 3D ऑर्बिटल नहीं आएगा, 4D के सीरीज़ के अंदर 4D ऑर्बिटल आएगा, और ये 5th पीरियड होगा। 5th पीरियड के अंदर 4D जो है हमारे पास ऑर्बिटल होगा, और यहाँ पर जो यूटेरियम है इसके अंदर 4D के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, जबकि जर्कोनियम के अंदर क्या आएगा?
फोर डी के अंदर टू इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इस तरह से ये फोर डी सीरीज़ चल जाएगी। फाइव डी के अंदर फाइव डी ऑर्बिटल जो है वो फिल होगा और सिक्स डी सीरीज़ के अंदर सिक्स डी ऑर्बिटल फिल होगा, जो कि हमारा सेवन्थ पीरियड है। तो इसके अंदर हमारे पास ये जो हर ग्रुप के अंदर क्या होगा, डी के अंदर अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट ये ग्रुप जो है थ्री बी है, इसके अंदर डी के अंदर वन इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर डी के अंदर टू, डी के अंदर थ्री इलेक्ट्रॉन्स, डी ऑर्बिटल के अंदर फोर इलेक्ट्रॉन्स, डी ऑर्बिटल के अंदर फाइव इलेक्ट्रॉन्स, डी ऑर्बिटल के अंदर सिक्स, और ऐसे जाते हुए डी ऑर्बिटल के अंदर टेन इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास ये जो है कम्प्लीट हो जाएगा। तो आपको एक बात याद होगी कि आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन में हमने देखा था कि लिखा हुआ था कि पार्शली फिल्ड, पार्शली ऑक्यूपाइड डी ऑर्बिटल, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास कम्प्लीटली फिल्ड है। तो यहाँ पर इन एलिमेंट्स में जो है डी ऑर्बिटल ये क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है, तो यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन काम नहीं करेगी क्या? तो ये क्या डी ऑर्बिटल, ये जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स या आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आते? तो इसका जवाब हमारे पास है हाँ, ये जो है हमारे पास आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, इन्हें हम कहते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब ये जो है फॉल्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी इनकी हैं जो कि इन एलिमेंट्स से थोड़ी सी डिफरेंट हैं, इसीलिए ये हमारे पास जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो हैं लेकिन ये फॉल्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये जो है इन्हें हम कहते हैं ये झूठे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अब हम इनकी जनरल इलेक्ट्रॉन जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें, मतलब जो कि सारी इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जो कि हर एलिमेंट पर अप्लाई हो, वो हम इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है ns 1 से 2 और n माइनस 1 d 1 टू 10। ये इनकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम जो है समझेंगे आगे चल के, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, कि कैसे ये जो है इनकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इनका इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स जो है वो फुल होते हैं, और उस तरह से हमारे पास ये जो है फार्मूला भी आपका क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये जो है अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कम्प्लीट करते हैं। उसके बाद इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं, जो कि हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं। मेटल का मतलब है ये जो है, तो मेटल्स का मतलब है ये क्या होंगे, सॉलिड होंगे, गुड कंडक्टर होंगे। मेटल्स जो भी होते हैं वो हमेशा सॉलिड होते हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, मतलब ये सारे जो है मेटल्स हैं। अब मेटल्स तो हैं लेकिन ये सारे सॉलिड्स नहीं हैं। यहाँ पर हमारे पास दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सॉलिड नहीं हैं, वो हमारे पास यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं, एक है Hg जिसे हम कहते हैं मर्क्यूरी, दूसरा हमारे पास है कॉपरनिशियम। ये मर्क्यूरी और कॉपरनिशियम ये दो अलग स्टेट में हैं, जैसे कि मर्क्यूरी हमारे पास क्या है, ये लिक्विड की शक्ल में है, जबकि यहाँ पर हमारे पास कॉपरनिशियम गैस की शक्ल में है। तो दो वाहिद ऐसे मेटल्स जो कि हमारे पास सॉलिड नहीं है, बाकी सारे दुनिया के मेटल्स जो होते हैं वो सारे सॉलिड्स होते हैं, लेकिन ये दो ऐसे मेटल हैं जो कि सॉलिड नहीं है। ये जो है मेटल लिक्विड है, ये हमारे पास मेटल गैस है। तो इसीलिए यहाँ पर ये ग्रुप जो है ये पूरा हमारे पास फॉल्स ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज इन सभी से मैच नहीं करती। दूसरी हमारे पास इनकी प्रॉपर्टी है शाइनी अपेयरेंस, तो इनकी जो अपेयरेंस है वो शाइनी होती है, ये चमकते हैं, ब्राइट, ये जो है ब्राइट होते हैं, शाइनी होते हैं और हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं ये सारे एलिमेंट्स। इन्हें ये जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमेशा हार्ड ही होते हैं और हाई डेंसिटी होती है इनकी, डेंसिटी इनकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, उनकी डेंसिटी से इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। साथ में ये मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मैलिएबल और डक्टाइल का मतलब है ये जो है इनको हम शीट में, इनकी शीट्स बना सकते हैं और इनकी जो है हम वायर्स बना सकते हैं। इनकी वायर और शीट जिनकी बना सकते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वायर्स या जिनकी शीट्स बना सकते हैं, उन्हें हम मैलिएबल और डक्टाइल कहते हैं। इनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है एज़ कम्पेयर टू रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और बॉइलिंग पॉइंट भी इनकी हाई होती है, क्योंकि ये सारे मेटल्स हैं तो इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगी। इंटरमीडिएट एटॉमिक रेडाई, इनकी जो एटॉमिक रेडियस हैं वो इंटरमीडिएट हैं, मतलब ये जो है दरमियान में आते हैं इनके एटॉमिक रेडियस, जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं और एस ब्लॉक एलिमेंट हैं उनके बीच में इनके एटॉमिक रेडियस आते हैं। इतने ज़्यादा बड़े एटॉमिक रेडियस इनके नहीं होते। वो ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके यहाँ पर जो इसके एटॉमिक नंबर्स हैं वो सारे इन्हीं के अंदर सेम ही आ रहे हैं, जो इनके एटॉमिक नंबर्स हैं वही इनके हैं, लेकिन जो है यहाँ पर हमारे पास डी ऑर्बिटल इनके अंदर आ रहा है, तो साथ में क्या हो रहा है इनके जो एटॉमिक रेडियस हैं वो थोड़े से कम हो रहे हैं डी ऑर्बिटल की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा हो रहे हैं तो उसकी वजह से इनके जो एटॉमिक रेडियस हैं वो कम हो रहे हैं, तो इसीलिए इनके दरमियान में ही इनके एटॉमिक रेडियस होंगे, बहुत ही ज़्यादा कोई बड़े एटॉमिक रेडियस इनके नहीं होंगे, तो इनके इंटरमीडिएट एटॉमिक रेडियस होते हैं। ये इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं।
ये जनरल प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की। ये जो हमारे पास है एन एस वन टू टू एंड एन माइनस वन डी वन टू टेन, ये हमारे पास इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि हमें बताती है कि इनके अंदर एस के अंदर इनका जो है एस वाला जो ऑर्बिटल होगा वो हमारे पास जो है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जबकि इनका जो डी वाला ऑर्बिटल होगा उनके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मतलब 1 से लेकर 10 तक। तो इनका जो फर्स्ट एलिमेंट है स्कैंडियम, इसके अंदर डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके अंदर डी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर 3, इसके अंदर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो जिंक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। अब यहाँ पर अगर ये फर्स्ट सीरीज़ इन्हें थ्री डी सीरीज़ के अंदर हैं, तो इनका जो डी ऑर्बिटल होगा वो 3D होगा, तो इसके अंदर 3D1 होगा, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5 ऐसे जाएंगे। अगर यहाँ पर 4D सीरीज़ में हैं तो यहाँ पर 4D1 आएगा, 4D2, 4D3। तो ये सारे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर जो है ये हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने जो है जनरल जो हमारे पास हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ और साथ में इन एलिमेंट्स का जनरल इंट्रोडक्शन देखा। तो केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आज से हम स्टार्ट कर लिया हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जनरल फीचर्स को स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी से इस चैप्टर को भी हम फिनिश करेंगे, इतना ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।